हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो में। तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ क्या आप लोगों को एप्पल विज़न प्रो यहाँ पे लेना चाहिए। उसकी प्री बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, लोगों को मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, थोड़े ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने तो वीडियोज़ भी यहाँ पर बना दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ क्या आप लोगों को सच में एक एप्पल विज़न प्रो यहाँ पर लेना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ये वीडियो वैसे देख ही नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर फिर भी देख रहे हो तो आप ले लो। अगर आपके पास में बहुत ही ज़्यादा पैसा है, अथा पैसा अगर आपके पास में है, तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है। ये पहला क्वेश्चन यही है, ये बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पे आता है, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए पे करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को मिलेगा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इसे ले सकते हो, नो डाउट आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन आपके पास थोड़ा नॉर्मल पैसा है कि आप का ऐसा है, एक बजट बना के आप ले लोगे कि थोड़ा बहुत रुक के आप ले सकते हो, तो वो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले एप्पल विज़न प्रो अभी आप लोगों के लिए प्री बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आप प्री बुक यहाँ पे कर सकते हो और आपको ये मिल जाएगा, आपको बहुत ही जल्दी ये मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो प्री बुकिंग के लिए सबसे पहले आप इनकी स्टोर पे जा सकते हो, जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे आप जा सकते हो, या फिर आप इनकी वेबसाइट से भी इसे बुक यहाँ पे कर सकते हो। आप दोनों जगह से यहाँ पे इसे ले सकते हो। तो और दूसरी बात, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए भी आपको एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा। इंडिया के अंदर दो ही एप्पल स्टोर है, एक दिल्ली में एक मुंबई में है। तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे वहाँ खरीदो चाहे मत खरीदो, लेकिन आप उसे एक्सपीरियंस यहाँ पर कर सकते हो। पहन के आप देख सकते हो कि आपको कैसा कम्फर्टेबल रहता है, इसमें कैसा व्यू मिलता है, वो सारी चीज़ें आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो इसके बारे में जब आप इनकी वेबसाइट खोलोगे ना, तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। क्या कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। वेलकम टू द एरा ऑफ स्पेशल कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटिंग आपको एक स्पेशल कंप्यूटिंग यहाँ पे मिलता है। ये मेनली एक यूज़ होने वाला है आपको, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो इसे कंप्यूटर के तौर पे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होने वाला है फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में आप वहाँ पे देख पाओगे। आईफोन से स्पेशल वीडियो का एक अभी नया फीचर उसके अंदर आया है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे कर पाओगे। आप मूवीज़ एक अच्छा एक एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा, लेकिन यही एक्सपीरियंस आपका एक सस्ते में भी बढ़ जाएगा। ये आपके 3 लाख के अप्रोक्स आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये मतलब जब आप इसे ना एक सस्ते वाला भी ले लोगे, तो एक मूवी का एक्सपीरियंस तो वो भी आपका एक अच्छा यहाँ पे कर देगा। ये 3 लाख वाला तो आपको ऐसा इसमें मतलब आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन 3 लाख आप लोग यूज़ नहीं करने वाले, कोई भी इसके अंदर ब्राउजिंग यहाँ पे नहीं करने वाला है। इसके अंदर फीचर आता है ब्राउजिंग आप कर सकते हो, आप और भी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग इससे कर सकते हो, लेकिन अभी तक वो इतनी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है कि आप उस पर एक अच्छी आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील हो, तो वो चीज़ अभी तक नहीं है। इसमें मेन जो फीचर है जो मूवीज़ का एंटरटेनमेंट का, वो जो लोग यूज़ करने वाले हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी मतलब मूवीज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये ठीक रहने वाला है। आपको मूवीज़ भी है ना, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मूवीज़ भी अभी तक ऐसी मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं बनी है जो इसके लिए कैपेबल हो। जो 3D आपको एक एनिमेशन मिलेगा वो अभी सब मूवीज़ में नहीं आया है। जो एप्पल TV का एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो वो सिर्फ वहीं पे आपको, वो भी कुछ मूवीज़ के अंदर ही अवेलेबल होगा। सारी मूवीज़ के अंदर वो चीज़ भी आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। मूवीज़ हैं वो अभी बनना स्टार्ट होंगी और वो भी सिर्फ आपको मिलेंगी सिर्फ एप्पल TV के ऊपर। आपको मूवीज़ नहीं है जो इंडिया में मूवीज़ रिलीज़ होती है, जैसे अभी एनिमल मूवी रिलीज हुई या फिर फ्यूचर में कोई मूवी रिलीज होगी, तो वो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये फिर और भी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे रीडर्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपको और एक्स्ट्रा लेंसेज अगर आपको यहाँ पे चाहिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करना पड़ेगा। फिर आपको इसके अंदर स्टोरेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये 3 लाख से भी ऊपर यहाँ पे चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये यहाँ पे हो जाता है। फिर आपको अगर एप्पल केयर वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आप देख सकते हो 3499 का तो ये नॉर्मल दिखा रहा है, जब आप इसमें स्टोरेज वगैरह बढ़ाओगे तो वो आपको और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ ये हो जाने वाला है। तो बैंड वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो मेनली आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो मैं आप एक चीज़ पहले बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास में अथा पैसा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना इसे आप है ना जाके एक बारी एक्सपीरियंस यहाँ पे कर लो, जो भी आपके नियरेस्ट एप्पल स्टोर यहाँ पे है वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस आप कर लो, और
फिर ये लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें लेने में कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। ऐसा कोई आपको ज़्यादा 3 लाख वाला इसमें ऐसा नहीं, कोई अभी तक नहीं मिलने वाला है कुछ भी। आप ब्राउजिंग आप करोगे, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद में जब आप इसे ना अपने एक डिस्प्ले को सब आँखों के सामने रखोगे ना, तब आपकी ना आँखों पर भी यहाँ पर नुकसान होगा। और आप इसे पूरे दिन तो वैसे भी पहन के नहीं रख सकते हो, बहुत मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे पूरा दिन पहन के रखो और आप इसे यूज़ करो, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो इसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानो आपके पास एक मिनिमम बजट है, आप बस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो वो आप एप्पल स्टोर पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। अदरवाइज इसे लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं आपको मिलता कि आप इसे बहुत ही तगड़ा आप अलग ही कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसे ज़्यादा यूज़ आप नहीं कर पाओगे। बस आपको एक 3D वहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगी, आप थोड़ा बहुत ब्राउजिंग कर लोगे, थोड़ा बहुत आप मूवीज़ देख लोगे, मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड मूवीज़ होने वाली है, ऐसा नहीं है हर चीज़ के लिए आपको है ना मूवीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बस आपको इतना ही उसके अंदर मिलने वाला है और आपको वहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आप बस यही सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा चिपसेट वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं। कैमरा भी इसके है ना ऐसा नहीं है, कैमरा आपको है ना आपका फेस जो वीडियो कॉलिंग में वो रियल ही आपको करेगा, वो एक 3D इमेज बनाता है और वो ही वहाँ पर जैसे इमोजी आपको है ना मिलते हैं एप्पल के, वैसे ही एक इमेज बनाता है और उसको बस वहाँ पर वीडियो कॉलिंग में ले लेता है। बेसिकली इतना कोई भी आपके पास अगर एप्पल विजन प्रो है, सामने वाले के पास में नहीं है, तो आप नहीं इतना यूज़ करोगे, आपको एक फेक वहाँ पर फील होगा कि ये तो एक AI जनरेटेड या फिर ये आपको एक वहाँ पे एक फेकनेस फील होगी। तो इसे अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बस इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो इसे नहीं ले, कोई फ़ायदा इसका नहीं है, ये यूज़लेस प्रोडक्ट एक एप्पल की तरफ से यहाँ पे आया है, अभी इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। इसका लॉन्ग टाइम आगे चल के हो सकता है कोई और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो कर दे, बाकी कोई भी आप है ना एक प्रोडक्ट है ना एक हैंडसेट है, सारा दिन तो उसे पहन के नहीं रख सकते, तो प्रोडक्टिविटी तो उससे कोई सेंस वहाँ पे बनता नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ गई है कि आप उसे हर जगह पहन के जा रहे हो और आप उसे हाँ घर के अंदर पहने रख रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा उसे यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना, जब वीडियो चली गई चैनल को सब्सक्राइब करना, तो थैंक यू वेरी मच।